तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, बहुत अच्छा पढ़ाई है। वो छोरा कौन सा राकेश, पहले नु बता एक बार क्या हुआ ना, पहले वो बता छोरा। हमारे छोरे ने रोज दुखी रखे है राकेश, जो है बेटा वो। हाँ बाप रे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे छोरे ने रोज मारे, रोज छेड़े उन्हें। मेरे लिए दोनों बच्चे एक बराबर है, कोई बात रोज चिड़ाए जा इसने, इसका मुँह छुना छोरी है तू। मैडम कहते हैं समझा लो, नहीं बालक देख लो कल टांगा ने तोड़ देंगे। आपकी समस्या मैंने सुनी और मेरी जिम्मेवारी है कि इस समस्या को मैं कैसे सुलझाती हूँ। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं आपको दोबारा शिकायत ही नहीं मिलेगी। गाय के टांगे तोड़ देंगे, मेरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बेटा मुस्कुराते हुए स्कूल आएगा। अच्छा मास्टर राम, ठीक है जी, कल कल मिलेंगे। ठीक है जी, क्लास में। हाँ राकेश आप खड़े हो जाइए, क्या हुआ आपने क्या कहा? मैम सभी बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सभी बच्चे? मेरी आवाज लड़कियों जैसी है, जो काम सभी करेंगे नहीं है, सभी जो करेंगे आप ही वही करोगे। देखो इसकी भी है। नहीं जो सभी कहेंगे आप वही कहोगे। खड़े हो जाओ बेटा मिहिर, आप रोज स्कूल आते हो? यस मैम। आपको पढ़ाया जाता है? यस मैम। आपकी किताबों में कितने अच्छे अच्छे लेसन आते हैं, आप उनका मतलब समझते हो? आपको हर रोज कभी कल्पना चावला चैप्टर पढ़ाया जाता है, कभी आपको कृष्ण भगवान की जो है जीवनी पढ़ाई जाती है, तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? आप सोचिए, अगर आप यही सब करेंगे बाहर जाके, स्कूल से निकल के आप यही सब करेंगे तो बाहर क्या मैसेज जाएगा कि हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं, सभी अलग अलग है। इस प्रकृति को देखिए, पेड़ों को देखिए, चारों तरफ देखिए आप पेड़ों को, क्या सारे कैसे है, बैठिए। तो बेटा आज हम यही पढ़ेंगे कि विकास, उस सब में जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को चिढ़ाना शुरू कर दें या हम दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दें, ऐसे तो हमारे कर्म बिगड़ते ही जाएंगे। तो क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का, क्या फायदा है? जब हमारी सोच ही सकारात्मक नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे जीवन में? नहीं। और आप इतने सारे उदाहरण हैं आपके पास, जो जिनके पास इतनी, अभी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जिस लड़की की आंखें नहीं थी वो आईएएस ऑफिसर बनी, कैसे पढ़ी? क्या किसी ने उसको कहा नहीं होगा आंखें नहीं है तू क्या करेगी? कहा होगा ना, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो आपको ये देखना है, आपकी काबिलियत ढूंढनी है। ईश्वर ने प्रकृति